आज हम बात करेंगे कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं, डीप मेडिटेशन, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, ये बात सिर्फ गहरे ध्यान के लोगों के लिए लागू है कि जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमें झटके से महसूस होते हैं, जर्क से महसूस होते हैं, और ऐसा लगता है कि हम कई बार कि गिरने जा रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन के दौरान कि कोई भी छोटी सी चीज हुई हमारी कॉन्शियसनेस में और उसने हमें पूरा हिला के रख दिया। तो इसका आंसर हम जानेंगे, हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि जर्स का मेन रीजन क्या होता है जो ये झटके लगते हैं मेडिटेशन के दौरान या फिर सोते टाइम भी। तो इसका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन यहां हम इस चीज को जरा इंक्वायर करेंगे कि एग्जैक्टली में क्या होता है, साइंटिफिकली नहीं, एक कॉमन ह्यूमन की तरह, एक कॉमन पर्सन की तरह हम देखेंगे। जैसे कई लोग बताते हैं, कई कई सेजेस बताते हैं, संत बताते हैं कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, गहरी मेडिटेशन में होते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो ऊपर की ओर बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए सर की तरफ। तो जहां जहां हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जहां जहां पर हमारा कर्मा इकट्ठा हो रखा होता है, जहां जहां पर हमारी बॉन्डेज होती है, तो वहां पर जब एनर्जी उसको खोलते हुए निकलती है, तब एकदम से हमें झटका महसूस होता है। और क्योंकि आप मेडिटेशन में पूरी तरह से, और ये एक चीज बता दूं मैं, ये एक अच्छा साइन है, इसको लेकर सीरियस होने मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन में झटके फील हो रहे हैं, तो ये फिर कोई बहुत आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छा साइन है कि यानी कि आप सही मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह से फ्री होकर मेडिटेशन कर रहे हैं। आपने शरीर रूपी अपनी आइडेंटिटी है उसको भी छोड़ दिया है और कंप्लीटली आप फ्री हो चुके हैं। तो माइंड क्योंकि इधर से उधर भटकता रहता है, आपने बॉडी की आइडेंटिटी छोड़ दी है, लेकिन माइंड से परे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते आगे चले जाएंगे, तो आप जब माइंड के भी ऊपर हो जाएंगे, माइंड थॉट्स के भी ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको झटके फील नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारी माइंड से आइडेंटिटी बनी हुई है। हम बॉडी को तो पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन माइंड को लेकर हम अभी कंफ्यूज्ड है कि हम एक्चुअल में हमारा माइंड हमारा है या नहीं है। तो क्योंकि आप सेल्फलेस हो गए बहुत ज्यादा, आप बॉडी की आइडेंटिटी भूल गए हो, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो चुकी है, आप हर जगह मौजूद हो गए हो। तो कॉन्शियसनेस क्योंकि आपकी एक्सपेंड हो चुकी है ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन ध्यान करते हुए, तो कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका फर्क आपको महसूस होता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी बॉडी में झटके आ रहे हैं। तो इसका रीजन यही हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह रहा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, और इस चीज को मैंने बताया ये साइंटिफिक भी नहीं है जहां तक मैंने फील किया है। तो कहीं पर भी कुछ होता है, आप क्योंकि एक्सपेंड हो चुके हो, और आपकी बॉडी अभी रेडी नहीं है इस चीज के लिए, आपकी बॉडी अभी और एक्सपीरियंस चाहती है, आपकी बॉडी अभी पूरी तरह से ये जो आसपास का वर्ल्ड है इसको लेकर न्यूट्रल नहीं हुई है। तो ये जो प्रक्रम है ये धीरे धीरे होगा, और मेडिटेशन के दौरान आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो बॉडी अपने आप ही इसको बैलेंस करना सीख जाएगी, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। इट्स अ गुड साइन कि आप ध्यान में अच्छे उतर रहे हैं, आप बहुत डीप जा रहे हैं, और आप मेडिटेशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि कई सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिस इंटरप्रिट करते हैं, कई बार सुपरस्टिशियस चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं, अंधविश्वास से कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लास्ट में जो लोग पैशनेट है लाइफ को लेकर, इंटरेस्टेड है, और देखिए ये मेरा काम भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप अर्थ पर हैं आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग लाइफ को लेकर पैशनेट है, तो इसको लेकर मैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम मैंने प्रिपेयर किया है, और इसमें काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और ये लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है, क्योंकि पहले मैंने इसको 10,000 का किया था, अभी 1,000 का कर दिया है, और ये जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जिसमें आपको पहले 12 वीडियोस मिलेगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर डेली एक वीडियो मिलेगी लाइफ टाइम तक मेरे प्रैक्टिकल मेडिटेशन रूटीन की, जो कि चलती रहेगी, फिर प्रैक्टिकल होगा। तो आपने जो कुछ भी सीखा उसको अंतिम जामा पहनाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल मेडिटेशन होगी उसके बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, उसमें आपके रियल कनेक्शन खुलेंगे। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को, इस कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप कर। थैंक यू वेरी मच।